So sorry. Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. This is JEE Live Daily और आज बच्चों हमारा lecture number 2 है probability का. I hope last lecture सारे बच्चों ने attend किया था जिसके अंदर हमने यहाँ पे जो basic idea होता है जो हमारा definition होता है probability का उसको use करना start किया था. और मैंने आपके साथ में बच्चों last class में 3 homework question दिए थे और मुझे देख के काफी बुरा लग रहा है कि बहुत कम बच्चे उन तीनों questions का ऐसे नहीं कि एक का सही दिया था दूसरे गलत दे दिया, तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर बहुत कम बच्चे दे पाए. ठीक है, तो बच्चों आपको जब भी यहां पे होमवर्क क्वेश्चन मिलते हैं डू ट्राई टू डू दोस क्वेश्चंस एंड आंसर देम इन द कमेंट्स. वो देख के काफी अच्छा लगता है. यहां पर बच्चे बाद में मेहनत कर रहे हैं इन लेक्चर्स के ऊपर, तो एक आपको भी मजा आएगा कि यहां पर कुछ वाकई सीखने को मिल रहा है और वो हम अप्लाई भी कर पा रहे हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, हालांकि हमें मानते हैं कि आपको रेफरेंस बुक तो सॉल्व करते ही रहना चाहिए. ठीक है, आप अगर रेफरेंस बुक सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको आगे वाले एग्जाम में और ज्यादा फायदा होगा. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यहां पे सारे आपके कवर हो रहे हैं और आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट वुड बी टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, बहुत ही अमेजिंग से यहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनते हैं. ये एक बार हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कल के लेक्चर से हम आगे यहां पर प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर पीएनसी जैसी चीजें आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, लास्ट जो हमारा लेक्चर था जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था बस उसी के अंदर थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हमने यहां पर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे. ठीक है, और वो क्वेश्चंस क्योंकि आज हम 3 होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसलिए आज भी उनका थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा, उनका जिक्र रहेगा. लेकिन अगर किसी बच्चे को पीएनसी नहीं आता है सो दैट शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस टू एक्चुअली मास्टर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को आप अलग अलग मानो, सेम मान के चलोगे तो आपको ये हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा. ठीक है, ऑल राइट बच्चों, यहाँ पर आपकी जो क्लासेस चल रही हैं लाइव क्लासेस चल रही हैं और आपका जो अनअकैडमी जेई का चैनल है उसके ऊपर चारों ही टीचर्स बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आपने ये काम कर लेना चाहिए. और अगर बच्चों आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना है देन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप ये काम कर सकते हो. टेलीग्राम जो हमारा ऐप है उसके ऊपर जो अनअकैडमी जेई का ग्रुप है उसमें ऑलरेडी लगभग 25,000 बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं जिनके साथ में रेगुलरली हम नोट्स और अपडेट शेयर करते हैं. यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस बाय जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप एंड राइटिंग इन द योर ब्राउजर tinyurl.com/JEELiveChat. ठीक है, ये आप करो, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा सारे जो बच्चे हैं उनके साथ में जुड़ के सारे टीचर्स के साथ में डिस्कशन करके. ठीक है, ऑलराइट. और बच्चों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अनअकैडमी प्लस के बारे में, जहाँ पर आपका जो लाइव और इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं वो आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ से अनअकैडमी जेई चैनल से ट्रांजिशन करके अनअकैडमी प्लस के ऊपर गए हैं उनके फीडबैक्स उनके हमें वाकई कॉन्फिडेंस मिलता है ये और भी बच्चों तक प्रमोट करने के लिए और भी बच्चों को बताने के लिए कि अगर आपको कहीं पर भी अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी मिसिंग लग रहा है देन द ओनली सॉल्यूशन टू इट इज अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस पे आपकी क्लासेस बच्चों आपको घर पे बैठ के लेने को मिलती हैं जहां पर आपको ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है, आपके पास में केवल एक मोबाइल फ़ोन भी अगर होता है तो भी आपको लाइव टीचर्स के साथ में क्लास लेने को मिलती है. और यहाँ पे बढ़िया बात यह है कि हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई है. जैसे बच्चों को डाउट्स आते हैं तो अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, बच्चों को अपने आप को एनालाइज करना होता है तो नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज़ हैं. यहाँ पर बच्चों के साथ में अगर वीडियो आपको दिखा दिया जाएगा तो उतने अच्छे से बातें समझ में नहीं आती हैं, तो यहाँ पर सारी क्लासेस लाइव होती हैं. लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों की लाइव क्लासेस मिस हो जाएंगी तो उसके बाद में वो क्लासेस को रिकॉर्ड भी करके रखा जाता है ताकि उन बच्चों जो है नुकसान ना हो, वो बच्चे पीछे जाके सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख पाएं. तो यहां पे हर एक बात का ध्यान रखा गया है और जो भी बच्चे यहां पे ज्वाइन करते हैं उनको काफी यहां पे हेल्प मिलती है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में. ठीक है, और यहां पे सबसे बढ़िया बात यह है बच्चों की हम चारों टीचर्स के साथ साथ यहां पर इंडिया के और भी बहुत बढ़िया टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनके लेक्चर्स भी अटेंड करके अपना जो है लेवल बढ़ा सकते हो. ठीक है, और यह सब करने के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना है, आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर योर गोल विच इज IIT JEE. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम करो, मोबाइल ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लो. अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है बच्चों ये एजुकेशन के लिस्ट में सबसे टॉप ऐप आपको दिखाई देगा प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करके उस मेनू में जाओ जहाँ पर आपको प्लस सेक्शन मिलेगा. प्लस सेक्शन में आपको अपने गोल को केवल सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन परचेज करना है. ठीक है, कितने समय का करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन जो सबसे अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे 12 मंथ और 24 मंथ के हैं. अगर किसी को लग रहा है सर यहाँ पे 12 मंथ मेरी पढ़ाई बची नहीं है मेरी केवल 6 महीने की बची है देन ही कैन गो फॉर 26 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो.
ठीक है, वो भी उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और ये सब आपको बच्चों अगर यूज़ करना है देन जेई लाइव कोड के साथ में करोगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, एंड दैट इज़ हाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अनअकैडमी जेई टू अनअकैडमी प्लस, और ये आपने भी एक्सप्लोर करना चाहिए एक बार, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन जो अनअकैडमी जेई का यहाँ पे मेन मोटिव है वो ये है कि अगर इंडिया में ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको एक साल की फीस 27,000 भी ज़्यादा लगती है, देन उन बच्चों तक भी हमें पहुँचना है, उन बच्चों तक भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो दैट्स वॉट इज द एम ऑफ अनअकैडमी जेई चैनल। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेंगे, यहाँ पे अलग से टेस्ट सीरीज या फिर अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस रखना मुश्किल है, जो एक्चुअली अनअकैडमी प्लस के ऊपर होता है, और किसी भी जेई एस्पिरेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसने ये सारी फैसिलिटीज अवेल करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो बच्चों लेट अस स्टार्ट विद अवर डिस्कशन टुडे, और स्टार्ट हमेशा की तरह हम कहाँ से करेंगे, हमारे होमवर्क क्वेश्चंस के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने लास्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को देखा नहीं था, अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उन्होंने अभी मेरे साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको यहां पे मैक्सिमम टाइम तक चीजें और कंसेप्ट याद रहें, ठीक है। केवल सॉल्यूशन देख लेते हैं अगर तो आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहता है, लेकिन आप अगर कुछ यहां पे खुद से करते हो, अपनी मेहनत लगाते हो, तो आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं, आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डू दिस। PDF कैसे डाउनलोड करें, एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहां पे बच्चों, आपको हर लेक्चर के एंड में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा PDF डाउनलोड करने का, वो आप डाउनलोड करो, आप पुराने लेक्चर्स में जाके देख सकते हो, हर एक लेक्चर के साथ में आपको एक अटैच्ड PDF मिलता है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन मतलब पता है सारे बच्चों को, आप वीडियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देखने के लिए जो डाउन एरो प्रेस करते हो उसमें आपको लिंक मिलेगा। ऑलराइट, सो इसका आंसर बी आ रहा है। ऑलराइट, इसका आंसर बी आ रहा है। ऑलराइट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली आंसरिंग इन द लाइव चैट कि यहाँ पे बच्चों सर हमारा आंसर बी आ रहा है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। और ये इन तीनों क्वेश्चंस में से जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन यही था, इसका आंसर तो सबको निकालते आना ही चाहिए। लेकिन यहां पे जो आपके साथ में कंसेप्ट बच्चों इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूं वो क्या है, देयर आर फोर लेटर्स एंड फोर एड्रेस्ड एनवेलप्स, द चांस दैट ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्पैच्ड इन द राइट एनवेलप, ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्पैच्ड इन द राइट एनवेलप, ठीक है। अब कुछ बच्चे अगर इसको डिरेंजमेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो वो गड़बड़ है, यहां पे हर एक लेटर गलत एनवेलप में होना चाहिए ऐसा किसी ने नहीं बोला है, इन्होंने बोला है कि सारे के सारे लेटर्स सही एनवेलप में ना जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको यहां पे फेवरेबल हम मान के उसकी काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि अच्छा ठीक है, क्या मैं यहां पे ऐसा सोच सकता हूं एक इवेंट जिसके अंदर सारे लेटर्स सही एनवेलप में गए हैं, ठीक है। यहां पर इवेंट ए क्या बोल रहा हूं मैं, करेक्ट एनवेलप, अगर चीजें करेक्ट एनवेलप में गई हैं, ठीक है, उसका नाम अगर मैंने ए रखा है तो क्या मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, नहीं मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऊपर वाले को निगेट करने वाला, तो ऊपर वाले को निगेट करना है तो कैसे लिखेंगे इसको, नॉट करेक्ट एनवेलप, नॉट करेक्ट एनवेलप, यानी बात समझ में आई सारे बच्चों को। तो हमें निकालना तो यह है लेकिन इवेंट यह समझना ज्यादा आसान है, तो हम पहले ए के बारे में समझ लेते हैं। ये करेंगे क्यों, क्योंकि हमें एक छोटा सा रिजल्ट पता है फॉर ए एंड ए बार, वो क्या है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो अगर मैं यहां पे पीए निकाल लेता हूं तो उसकी मदद से पीए बार बड़ी आसानी से निकल सकता है। तो अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि सारे के सारे एनवेलप्स करेक्ट, सारे लेटर्स जो है करेक्ट एनवेलप में जाना चाहिए, तो आप इस चीज को कैसे सोचोगे, सारे के सारे अगर करेक्ट में जाना चाहिए तो आप इस चीज को कैसे सोचोगे, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, यहाँ पे चार लेटर्स हैं और चार एड्रेस्ड एनवेलप्स है, ठीक है। आपके पास में जो करेक्ट वे हो सकता है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा, एक ही तरीका है, जो लेटर है उसी के एनवेलप में डालो, जो लेटर है उसी के एनवेलप में डालो, ठीक है। एक ही तरीके से आप ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप आग बंद करके ये करना चाहो कि यार मैं तो बस यहां पे काम खत्म करना चाहता हूं, मैं लेटर्स को एनवेलप में डालना चाहता हूं, ठीक है, तो आपके सामने चार एनवेलप्स हैं, आपके हाथ में चार लेटर्स हैं, ठीक है। पहला लेटर उठाया, कितने लोकेशन से डालने के, चार। दूसरा लेटर उठाया, कितने लोकेशन से, इस बार केवल तीन, इस बार तीन है क्योंकि ऑलरेडी एक एनवेलप के अंदर आपने एक लेटर डाल दिया है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो कैसे होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास में आएगा 4 factorial, ठीक है। यहां पर पहले एनवेलप को फिल करने के लिए आपके पास में चार ऑप्शन है, दूसरे के लिए तीन, उसके बाद में दो, उसके बाद में एक, तो यहां पे नीचे आपके पास में क्या आएगा, 4 factorial आएगा, ठीक है, विच इज गिविंग अस 1/24 एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ए इवेंट हैपनिंग। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा आपका 1 - 1/24 विच इज 23/24 एंड बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही सारे बच्चों को बात यहां पे।
यस एग्जैक्टली, यहाँ पे आपका आंसर जो है 23/24 है, बिल्कुल सही। ऑल राइट, सो आई गेस ये सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन था, इसके बारे में ज़्यादा हमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो हमने फेवरेबल केसेस लिखे हैं वो तो वन सबको समझ में आ गए होंगे, टोटल केसेस में आपको क्या करना है, चार चीज़ों को चार प्लेसेस में अरेंज करना है, विच इज 4 फैक्टोरियल। आई गेस वो भी समझना काफ़ी आसान है, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड, लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैड। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन बच्चों आपका डिवाइजर से रिलेटेड था। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं आपके साथ में PNC के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या है यहां पे जो डिवाइजर का कांसेप्ट है वो सारे बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने PNC के लेक्चर्स मेरे अटेंड किए होंगे उनको तो ये बहुत अच्छे से करते आता होगा। अगर किसी ने पहली बार यहाँ पे मेरे लेक्चर्स अटेंड करना स्टार्ट किया है देन उनको मैं एडवाइस करूंगा कि PNC के लेक्चर्स एक बार जाके देखो, ताकि इस तरह के छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके मिस आउट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइजर के लिए हम करते क्या है, हम सबसे पहले गिवन नंबर को फैक्टराइज करते हैं, 2700 को मैं फैक्टराइज करूंगा, प्राइम फैक्टराइज करूंगा। तो ये क्या लिखा जा सकता है, ये 27 दिख रहा है मुझे, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3, और उसके बाद 100 दिख रहा है मुझे, 100 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो बेसिकली आपका फैक्टराइजेशन ऐसे हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब इस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए हमने PNC वाले चैप्टर में क्या देखा था, हमने ये बोला था कि ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास में दो नंबर लिखी हुई दो बॉल्स हैं, 3 नंबर लिखी हुई 3 बॉल्स हैं, और 5 नंबर लिखी हुई 2 बॉल्स हैं। ये सब कहां पर हैं, अलग अलग बॉक्सेस में हैं। इस तरीके से बच्चों हमने चीजों को विजुलाइज करके सीखा था, ठीक है। आपके पास में बॉक्स 1 है, फिर बॉक्स 2 है, उसके बाद में आपके पास में बॉक्स 3 है, ठीक है। बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, बॉक्स 1 में आपके पास में 2 बॉल्स हैं जिनके ऊपर 2 लिखा है, बॉक्स 2 में आपके पास में 3 बॉल्स है जिनके ऊपर 3 लिखा है, और आखिरी वाले बॉक्स में आपके पास में 2 बॉल्स है जिनके ऊपर 5 लिखा है, ठीक है। तो आप अगर यहां पे आप डिवाइजर बनाना चाहते हो तो डिवाइजर कैसे बनेगा, आप ऐसे इमेजिन करो जैसे आप पहले बॉक्स के पास गए हो और यहां पे 2s सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप यहां पे अगर 2s सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास में क्या क्या चॉइसेस है, ध्यान से सुनो। आपके पास में या तो आप 1 2 वाली बॉल सिलेक्ट करोगे, या फिर दोनों सिलेक्ट करोगे, या फिर 1 भी नहीं करोगे, यह भी तो चलेगा। हर डिवाइजर में 2 होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि 2700 का एक डिवाइजर 27 है, 27 में कोई भी 2 वाली वैल्यू आपके पास में नहीं आ रही। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इस पर्टिकुलर बॉक्स में से 1 भी 2 वाली बॉल सिलेक्ट ना करो। तो टोटल आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई, 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। 1 बॉल सिलेक्ट करोगे, दोनों बॉल सिलेक्ट करोगे, या 1 भी बॉल सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले वाले से आपके पास में कितनी आई, 3 पॉसिबिलिटीज। वैसे दूसरे वाले से कितनी आ जाएंगी, आप इस पर्टिकुलर बॉक्स में से या तो 1 3 वाली बॉल सिलेक्ट करोगे, या 2, या फिर 3, या फिर 1 भी नहीं, ठीक है। तो यहां पे आपके उसमें 4 चॉइसेस हैं, और लास्ट फिर से आपके उसमें 3 चॉइसेस रहेंगी, क्योंकि आप 5 लिखी हुई 1 बॉल करोगे, 2 बॉल करोगे, या फिर 1 भी नहीं करोगे, ठीक है। सो दिस इज गिविंग अस द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। तो ये आपके पास में टोटल डिवाइजर्स का काउंट आ गया, टोटल डिवाइजर्स आपके कितने हो गए यहां पर, 36 हो गए। ऑलराइट, तो ये तो हमारे डिनोमिनेटर है। अब मैं यहां पर देखता हूं कि फेवरेबल के लिए हम क्या कर सकते हैं, फेवरेबल केसेस के लिए हम यहां पर क्या करें। तो फेवरेबल केसेस में हम क्या सोचेंगे कि ऐसा करते हैं कि मुझे, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि 4 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जो मैंने यहां पर डिवाइजर सिलेक्ट किया है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं फिर से अपने बॉक्स के पास जाता हूं और ये सोचता हूं कि अगर मुझे एक ऐसा डिवाइजर बनाना है जिसके अंदर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहां से मुझे इसका मतलब दोनों की दोनों बॉल्स सिलेक्ट करना जरूरी है। मेरे पास यहां पे फाइनल नंबर कैसे बन रहा है, जो भी बॉल्स में सिलेक्ट कर रहा हूं उनके ऊपर लिखे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका डिवाइजर जनरेट होता है, ठीक है। तो यहां पे मुझे दोनों बॉल सिलेक्ट करना जरूरी है। पहले हमारे पास 3 चॉइसेस थी बॉक्स 1 में से, अब बॉक्स 1 में से फेवरेबल केसेस के लिए आपके उसमें केवल 1 ही चॉइस है कि आप दोनों के दोनों यहां पर 2 वाली बॉल उठा लोगे। जब आप 3 के ऊपर जाओगे तो 3 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो केवल आपके पास 4 और 5 के लिए है, ठीक है। तो यहां पे आपके नंबर ऑफ केसेस फिर वैरी नहीं करेंगे, पहले भी आप 4 तरीके से यहां पे सिलेक्शन कर सकते थे, अभी भी आप यहां पे 4 तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। और लेकिन जब लास्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि आपको क्या बोला गया है, द डिवाइजर शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट ऑफ 5, आपको 5 का मल्टीपल नहीं चाहिए। इसका मतलब आपको बॉक्स 5 में से केवल 1 ही ऑप्शन बचता है कि आप यहां से कोई भी बॉल सिलेक्ट ना करो। तो आपके यहां पर जो फेवरेबल केसेस है वो कितने हो गए, टोटल 4 ही केसेस हुए। फेवरेबल यहाँ पर जो आपके केसेस हुए कितने हुए, केवल 4 ही हुए। कौन कौन से, यहाँ पर आपके उसमें आपने 1 भी 3 सिलेक्ट नहीं किया, आपने 1 3 सिलेक्ट किया, आपने 2 3 सिलेक्ट किए, या फिर आपने 4 3 3 सिलेक्ट किए, ठीक है। ऐसे आपके उसमें अलग अलग आंसर्स बन रहे हैं, 1 3 9 27, ये आपके पास में फेवरेबल केसेस हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, इंटू 4 भी कर लो,
1397 में इंटू 4 भी कर लो, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी बोल के रखा है 4 तो सिलेक्ट करना ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेशो लेंगे, रेशो लेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा दैट वुड बी 4/36 विच इज 1/9 एंड दैट्स वाई इसका आंसर आपका 9 सही है। ऑलराइट, क्लियर हुआ सारे बच्चों को, आपका आंसर 9 आना चाहिए था इस केस में। 1 माइनस क्यों करेंगे, 1 माइनस क्यों करेंगे स्पर्श, 1 माइनस कब करते हैं बेटा, जब आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन एटलीस्ट 1 फ्रूट सिलेक्शन का होता है तब करते हैं। यहाँ पर बच्चों ने अगर फॉर्मूला याद किया हुआ है तो आप अप्लाई करो, लेकिन सिचुएशन देख के अप्लाई करो, आग बन करके फॉर्मूला अप्लाई मत करो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्मूला तो मैं भी अप्लाई कर सकता था, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता यहाँ पे कि ये 2+1, ये 3+1 और ये 2+1 लिखा है, लेकिन तब भी मैं इतने टाइम तक इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहां पे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे 2 बॉल्स हैं, यहां पे 3 हैं, यहां पे 2 हैं, तो यहां पे 3×4×3 आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। लेकिन यहां पे जैसे एक बच्चा बोल रहा है सर माइनस 1 भी करो, तो माइनस 1 वाला जो कंसेप्ट है वो कब लगता है ये पता करो। जब आपके पास में ये सिचुएशन है कि आपके पास में 2 एप्पल्स हैं, 3 मैंगोज हैं और 2 बनानाज हैं, और आपको इस पूरे फ्रूट बास्केट में से कम एक फ्रूट सिलेक्ट करके जाना है, कम से कम एक फ्रूट सिलेक्ट करके जाना है, ठीक है। एटलीस्ट 1 सिलेक्शन वाले केस में माइनस 1 करते हैं, डिवाइजर वाले केस में माइनस 1 नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर, क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को। सेकंड एंड थर्ड केस नहीं समझा, सेकंड एंड थर्ड केस, यहां पे केसेस कहां पे बने, सेकंड एंड थर्ड केस। ऑलराइट, यहां पर आपके पास में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको अगर आपको समझना है तो पीएनसी का यस आपको कंसेप्ट यहां पे पता होना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूं, आपका जो यहां पे डिवाइजर का कंसेप्ट है इट इज वेरी सिमिलर टू सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहां पर आपके उसमें अलग अलग बॉक्सेस में लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप जो पहला वाला बॉक्स है उसके अंदर सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, एक भी आपने बॉल नहीं आपने एक बॉल उठाई, 2 बॉल उठाई, या फिर एक भी बॉल नहीं उठाई, ठीक है। अगर आपने एक बॉल यहां से उठाई, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूं, अगर आपने यहां पे डिवाइजर कैसे बना रहे हैं एक बार वो समझ में आ जाएगा तो शायद आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगी। अगर मैंने यहां से एक बॉल उठाई, अगर मैंने यहां से एक बॉल उठाई, अगर मैंने यहां से एक बॉल उठाई, तो बनेगा क्या, मैं यहां पर 2×3×5 रिपोर्ट करूंगा एज माई डिवाइजर, क्योंकि मैंने हर एक से एक एक बॉल उठाई, ठीक है। तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 30। क्या 30 इसका डिवाइजर है, यस 30 इसका डिवाइजर है। मैं और क्या कर सकता हूं, यहां से मैं 2 बॉल्स उठा सकता हूं, यहां से मैं एक बॉल उठा सकता हूं, यहां से मैंने एक भी बॉल नहीं उठाई, ऐसा भी सिनेरियो जनरेट कर सकता हूं। तो यहां से 2, यहां से 1, तो कितना बन जाएगा 12। 12 भी क्या है, आपका डिवाइजर है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहां पे जो बॉल्स के ऊपर नंबर्स लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइजर जनरेट कर रहे हो। अगर आपने यहां पर सारी की सारी बॉल्स उठा ली, यहां से भी 2 उठा ली, यहां से भी 3 उठा ली, यहां से 2 उठा ली, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 2700। 2700 भी आपका क्या है, डिवाइजर है, किसका, 2700 का, समझे यहां पर। अब क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ठीक है। दैट्स हाउ वी एक्चुअली ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। फेवरेबल में 4 मल्टीप्लाई कैसे होगा, यार फेवरेबल में 4 मल्टीप्लाई करने वाला जो एक मैंने स्टेटमेंट बोला था, आई गेस उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, येस आई गेस, क्योंकि बोलते समय मुझे भी ऐसा लगा था कि और अच्छे से फ्रेम करना चाहिए था मैंने उस स्टेटमेंट को। तो एक बार फिर से सुन लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर 4 का मल्टीपल चाहिए तो आपने क्या बोला कि मैं यहाँ से तो दोनों बॉल्स ले ही लूँगा, ओहो मैं यहां से दोनों बॉल्स ले ही लूंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, देर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी कि मुझे दोनों बॉल्स लेनी पड़ेंगी। यहां आके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने बोला कि आप यहां पे कुछ भी कर सकते हो, आप यहां पे 1 सिलेक्ट करो, 2 सिलेक्ट करो, 3 सिलेक्ट करो, या एक भी सिलेक्ट ना करो, सारे के सारे केसेस चलेंगे। इसलिए यहां पर 4 दिख रहा है। उसके बाद यहां पर हमने 1 क्यों लिखा है, ये 1 लिखने का रीजन अलग है, ये 1 लिखने का रीजन अलग है। ये 1 लिखने का रीजन ये था कि हमने दोनों की दोनों बॉल सिलेक्ट करना जरूरी है, ये 1 लिखने का रीजन ये है कि आपको एक भी 5 वाली बॉल सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू वाइज सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके जो नंबर ऑफ केसेस है वो तो 4 बन रहे हैं। अब यहां पर डिवाइजर कौन कौन से बनेंगे उसका डिस्कशन में करना चाह रहा था। तो आपके जो फेवरेबल के डिवाइजर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपको यहां से दोनों बॉल्स तो उठानी है ही, मतलब आपको 4 तो लेना ही पड़ेगा, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, हो सकता है यहां से कुछ भी ना आए, मतलब 1। जब आपने एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करी तो आप यहां पे एक्चुअली डिवाइजर क्रिएट करने के लिए मल्टीप्लाई कर क्या करते हो, 1 मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद ये हो सकता है कि आपने यहां पे 1 3 वाली बॉल सिलेक्ट करी है, आपने 2 3 वाली बॉल सिलेक्ट करी है, या फिर आपने 3 3 वाली बॉल सिलेक्ट करी है। सो दीज आर द डिवाइजर्स विच आर फेवरेबल टू अस, हमारे पास जो फेवरेबल केसेस वाले डिवाइजर्स हैं वो एक्चुअली ये हैं, 4, 12, 36 और उसके आगे वाला, ठीक है। दैट्स हाउ वी डू दिस। अभी क्लियर हुआ सारे बच्चों को, अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर हुआ। ऑलराइट, स्नेहल
जेई मेन के लिए डर लग रहा है यार, डर तो सबको लग रहा है ना, यहाँ पे हिम्मत रख के बस पढ़ाई करते रहो, वो एक तरीका है। और कोई डर के आप अगर बैठ जाओगे तो आपका वैसे भी बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़े, जो आपका 2010 का एडवांस का क्वेश्चन था उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भी अब मैं आपके साथ में इसलिए डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर पढ़ा दिया है और मुझे उम्मीद है कि काफी सारे बच्चों ने ये देखा हुआ होगा पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू वन, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ पे आपके पास में जो बाकी दोनों वैल्यूज होती है उनका यहाँ पे वैल्यू लेना है आपको। फेयर डाइज थ्रोन थ्री टाइम्स, एक ही डाई है उसको हमने तीन बार थ्रो किया, तो अलग अलग यहाँ पर आपके उसमें आंसर्स निकल के आ सकते हैं। इफ़ आर वन आर टू आर थ्री आर द नंबर्स ऑब्टेंड ऑन द डाई, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा की पावर आर वन प्लस ओमेगा की पावर आर टू प्लस ओमेगा की पावर आर थ्री इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कब कब बन सकता है, ऐसा आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। ओमेगा की पावर आर वन, ओमेगा की पावर आर टू, ओमेगा की पावर आर थ्री। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों कुछ बच्चे हैं जैसे आदर्श यहाँ पे 1/36 आंसर बता रहा है, लेकिन विशाल यहाँ पे 2/9 आंसर बता रहा है, कीर्ति यहाँ पे 2/9 आंसर बता रही है, ठीक है, नीमा यहाँ पे 2/9 आंसर बता रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी नहीं है, 1/36 नहीं है बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर सी है, इसका आंसर 2/9 निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में ओमेगा के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है पहले तो उनको एनालाइज करो, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे तो इसके बाद जो मैं आपसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो भी आप काफी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। क्या है बच्चों यहां पे हो रहा है, आपके पास में ओमेगा की जो प्रॉपर्टी वो ये है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो, एक तो ये प्रॉपर्टी आपके पास में, और एक रिजल्ट क्या है आपके पास में कि ओमेगा की पावर 3 करने पर आपको 1 मिलता है, ओमेगा की पावर 3 करके आपको 1 मिलता है। अगर ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ओमेगा की पावर 3 n का मतलब भी 1 है। अगर आप यहां पे ओमेगा क्यूब की पावर n कर दोगे, n इज सम इंटीजर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए। तो मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैसे देखना चाहता हूं, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा R1, R2, R3 की वैल्यूज इमेजिन करके देखना चाहता हूं कि यहां पर क्या बनना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुने सारे बच्चे, आपके पास में यहां पे डी आंसर नहीं आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, यस, ऑलराइट। ऐसा क्यों हो रहा है, जो डी वाले बच्चे ध्यान से सुने, हम यहां पर क्या सोचेंगे कि आपको अगर यहां पे 1 बनाना है तो यहां पे ओमेगा की पावर 3n भी तो हो सकता है, ओमेगा की पावर 3n हो सकता है, अगर ओमेगा की पावर 3n है तो यहां पे 1 बन जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 है। सो दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन आई एम नाउ कन्वर्टिंग इन टू एन इक्वेशन विच इज सिमिलर टू दैट, ठीक है। तो यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमें याद है ही ना, उसका यूज करेंगे। 1 की प्लेस में क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा की पावर 3n लिख सकता हूं, ठीक है। ओमेगा को कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा को मैं ओमेगा की पावर 3n + 1 लिख सकता हूं, और वैसे ही ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 3n + 2 लिख सकता हूं। यहां पे आप ऐसा भी इमेजिन करोगे तो भी चलेगा कि हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में ओमेगा की पावर 3n मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने 1 मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, ऐसा भी इमेजिन करोगे तो भी चलेगा। तो आपका जो 1 है वो ओमेगा की पावर 3n बनेगा, जो ओमेगा था वो ओमेगा की पावर 3n + 1 बनेगा, जो ओमेगा स्क्वायर था वो ओमेगा की पावर 3n + 2 बनेगा। तो इसका मतलब आपके पास में अब जो R1, R2, R3 के वैल्यूज होने चाहिए उनके बारे में हमें कुछ पता चला। R1, R2, R3 के वैल्यूज इस तरीके से होना चाहिए कि एक 3 का मल्टीपल हो, एक नंबर 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर रखना चाहिए, और एक नंबर 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर रखना चाहिए। यहां पे हमें अलग अलग कैटेगरीज समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे 3 कैटेगरीज के बारे में सोचना है आपको, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आज की क्लास में ताकि ये कैटेगरी वाला फंडा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपके पास में 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आपके पास में जो 3 कैटेगरीज यहां पर बन रही हैं वो है 3 का मल्टीपल, ठीक है, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल प्लस 1 और 3 का मल्टीपल प्लस 2, ये आपके पास में कैटेगरीज बन रही हैं, ठीक है। अगर इन कैटेगरीज में से आप कोई वैल्यू उठा पाते हो और वो यहां पे पावर में चढ़ा पाते हो तो आपके पास में आंसर 0 निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? विल सच क्वेश्चंस कम इन बोर्ड्स ऑल्सो? अनन्या, मुझे लगता तो नहीं है कि आपके मिक्स होके कंसेप्ट बोर्ड्स में आएंगे, बोर्ड्स में यूजुअली इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी नॉलेज लग रहा है और प्रोबेबिलिटी का भी नॉलेज लग रहा है, ठीक है। नाउ दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन बोर्ड्स, बोर्ड्स में प्योर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है
और ऑब्वियसली एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है तो एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, अभी जो क्वेश्चन एडवांस में आ चुके हैं वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सर ये क्लास 11th का है क्या? यस मनोज, यहाँ पर अगर कोई बच्चे 12th के हैं रिपीट रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, लेकिन यहाँ पे इस क्लास को 11th के बच्चों ने भी अटेंड करना चाहिए, ठीक है। आई विल एक्चुअली टॉक टू द स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग अस फॉर 11th क्लास एंड आई विल गाइड देम टू दीज वीडियोज़, क्योंकि बच्चों प्रोबेबिलिटी जो है आपके 11th में भी होता है, 12th में भी होता है, कुछ CBSE बोर्ड में जैसे आपके दो अलग अलग पोर्शंस में है, ठीक है, कुछ बोर्ड्स में केवल 12th में होता है, कुछ बोर्ड्स में केवल 11th में होता है, तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग पढ़ा नहीं सकते, दो बार एक ही चीज़ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स वाई ऑन दिस चैनल आई विल बी टीचिंग प्रोबेबिलिटी ओनली वंस एंड इट इज़ दिस टाइम, ठीक है। ऑलराइट, तो आप अगर 11th में हो तो भी आपको ये लेक्चर अटेंड करना है, 12th में हो तो भी आपको ये लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर बच्चों आपकी जो तीन अलग अलग कैटेगरीज बनी हैं यहाँ से आपको बेसिकली R1 R2 R3 सिलेक्ट करना है। लेकिन अब R1 R2 R3 कैसे बन रहे हैं? R1 R2 R3 हमें पता चल रहा है जब हम एक फेयर डाई को रोल कर रहे हैं, तो फेयर डाल को अगर मैं रोल करूंगा तो मेरे पास में तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, उन 6 में से हम कैटेगराइज कर लेते हैं। जो 3 के मल्टीपल हैं वो कौन कौन से हैं मेरे पास में? 3 के मल्टीपल हैं मेरे पास में 3 और 6। उसके बाद जो 3 के मल्टीपल प्लस 1 वाली कैटेगरी है उसके अंदर क्या क्या आएगा? 1 एंड 4। उसके 3 के मल्टीपल प्लस 2 वाली कैटेगरी यहां पे कितना आएगा? 2 एंड 5। सारे के सारे 6 नंबर्स यहां पे आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको बेसिकली ये कंफर्म करना है कि तीनों आपके R1, R2, R3 अलग अलग कैटेगरी के होना चाहिए। कौन सा किस कैटेगरी का है आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, लेकिन R1, R2, R3 तीनों अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ऑलराइट। तो अब इस बात को कैसे हम देखेंगे? आपको यहां पे बेसिकली पहले दो में से कोई एक उठाना पड़ेगा, इसका मतलब क्योंकि कैटेगरी ए में से एक चाहिए आपको, इन दोनों में से एक उठाना पड़ेगा कैटेगरी बी में से एक चाहिए, और इन दोनों में से एक उठाना पड़ेगा क्योंकि कैटेगरी सी में से एक चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल वी गेट नाउ? आपके पास में जो फेवरेबल केसेस हैं वो कैसे बनेंगे? पहले कैटेगरी में दो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक, दूसरे कैटेगरी में दो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक, और तीसरी कैटेगरी में दो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक हम उठा लेंगे। लेकिन ये जो पॉसिबल मेरे पास नंबर्स का यहां पे कॉम्बिनेशन जनरेट हुआ है, इनमें से कौन सा R1 है, कौन सा R2 है, कौन सा R3 है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। इसका मतलब मैं इनको अरेंज कर सकता हूं, मैं यहां पे कोई से भी कैटेगरी की वैल्यू R1 को दे सकता हूं, कोई से भी कैटेगरी की वैल्यू R2 को दे सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहां पे हमने 2C1 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 करके यहां पे सिलेक्शन तो कर ली है, अब मुझे यहां पे क्या करना है? फर्दर इनको 3 फैक्टोरियल से अरेंज भी करना है। 3 फैक्टोरियल से अरेंज करना है मतलब R1, R2, R3 को अलॉट करनी है ये वैल्यूज। दीज आर माई फेवरेबल केसेस। कुछ बच्चों ने ये 3 फैक्टोरियल नहीं लिखा होगा इसलिए उनके आंसर शायद गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, और आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे बच्चों वो कैसे रहेंगे? टोटल आई गेस लिखना बहुत आसान है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है? डाई रोल किया है। आपने अगर डाई रोल किया है तो आपके पास में R1 की वैल्यूज कितनी पॉसिबल वेज में? आपके R1 की वैल्यू 6 पॉसिबल वेज में आ सकती हैं, वैसे ही आपकी R2 की वैल्यू 6 पॉसिबल वेज में आ सकती हैं, और R3 की वैल्यूज भी 6 पॉसिबल वेज में आ सकती हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? बी में 1 कैसे आया? ओहो, एडवोकेट प्रणव साहा, बच्चा यहां पे आपके पास में 1 आना चाहिए कि नहीं? सॉरी, 1 जो है इट कैन बी रिटन एज 3 × 0 + 1, इट इज ऑफ दिस कैटेगरी, 3 × 0 + 1, 1 इज ऑफ बी कैटेगरी, ठीक है। क्लियर हुआ? PNC हार्ड लगता है राहुल, तो एक बार लेक्चर्स फिर से देखो, है ना, काफी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा कि बच्चों अभी आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा इस पर्टिकुलर इवेंट का, सॉरी वो इस तरीके से निकल के आएगा। यहाँ पे हमने फेवरेबल और टोटल का डिवीजन कर दिया है तो आपका इसमें फाइनल आंसर बचेगा 2/9, विच इज इन सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपको करेक्ट आएगा। क्लियर है? ओके, गौरव को यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन पढ़नी है, एंगल बाइसेक्टर की। यार एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर आपको पढ़नी है, हाँ शायद मैंने प्लस पे पढ़ा दी, यहाँ पे रह गया होगा शायद, ठीक है। ऑलराइट, कर लेंगे उसको, इधर उधर कहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज सी, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी वाला अंडरस्टैंडिंग समझ में आया है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसको एक बार यहाँ पे जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करेंगे और आंसर निकाल के बताएंगे, ठीक है। लेट अस ट्राई दिस आउट, देखो कितना आंसर आएगा।
If three distinct numbers are selected from first 30 natural numbers, three distinct numbers are selected, then what is the probability that their sum is divisible by 3? What is the probability that their sum is divisible by 3? लास्ट क्वेश्चन में एक बच्चे को टोटल यहां पे समझने में दिक्कत आई. एक्चुअली टोटल समझना ज्यादा आसान होता है, ठीक है. आपने यहां पे जो R1 R2 R3 की वैल्यूज ऑब्टेन करनी है वो कैसे करी? डाई रोल करके. तो R1 की क्या-क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वहीं से तो टोटल केसेस बनेंगे. R1 की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 में से कोई सी भी हो सकती है. R2 की 1 2 3 4 5 6 में से कोई सी भी हो सकती है. R3 की सेम, ठीक है. तो पहले वाले के पास भी 6 ऑप्शन, दूसरे वाले के पास भी 6 ऑप्शन, तीसरे वाले के पास भी 6 ऑप्शन, तो इसलिए 6 × 6 × 6, ये आपका डिनोमिनेटर था. टुमारो इज एनडीए एग्जाम. यस ऑलराइट, सो बेस्ट ऑफ लक जो भी बच्चे यहां पे एग्जाम दे रहे हैं. होपफुली यहां पर आपको पढ़ के कुछ फायदा मिलेगा कल के एग्जाम में. डू लेट मी नो हाउ द एग्जाम वेंट टुमारो. ऑल राइट, प्रवासी सेइंग कि उसने पिछला वीडियो नहीं देखा है. कोई बात नहीं बेटा, आज के वीडियो से स्टार्ट करूं, ठीक है. ऑल राइट, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. यहां पे आपको फिर से जो कैटेगरीज हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है. इट इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अभी अभी हमने यहां पे होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया. इफ थ्री डिस्ट्रिक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 3. तो सम इज डिविजिबल बाय 3, सम इज डिविजिबल बाय 5, सम इज डिविजिबल बाय 2. इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कैटेगरी के बारे में सोचना है, इस बात को जानो, ठीक है. तो हमारे पास टोटल यहां पे 30 नंबर्स हैं, 1 से लेकर 30 तक. अगर मैं 3 से डिविजिबिलिटी देखना चाह रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट किस में है? मुझे तीन कैटेगरीज में इंटरेस्ट है, ठीक है. एक कैटेगरी वैसी होगी जो ऑलरेडी 3 की मल्टीपल होगी. एक कैटेगरी ऐसी होगी जो 3 की मल्टीपल प्लस 1 वाले फॉर्मेट की होगी, और एक कैटेगरी ऐसी होगी जो 3 की मल्टीपल प्लस 2 वाली कैटेगरी की होगी. इससे ज्यादा कैटेगरीज नहीं बन सकती, ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? आपके पास में 30 की जगह यहां पे इनफाइनाइट नंबर्स भी होते तो आप इनफाइनाइट नंबर्स को भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. आप उनको 3n, 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 फॉर्मेट में ही देखोगे, और कोई फॉर्मेट जनरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में या तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, या फिर 1 रिमाइंडर आ सकता है, या फिर 2 रिमाइंडर आ सकता है, और कोई रिमाइंडर जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है नहीं. इसका मतलब ए बी सी ही कैटेगरी यहां पे आपको लेनी है, और ज्यादा कैटेगरीज यहां पे बन नहीं सकती. ये बात समझ में आई? अपॉन 6 फैक्टोरियल क्यों नहीं हुआ यार? वहां पे ऑलरेडी हम इंडिविजुअल R1 R2 R3 की वैल्यूज ले रहे थे आदित्य, ठीक है, इसलिए नहीं हुआ. वहां पे हम अरेंज क्यों कर रहे हैं? अरेंज करने की वहां पे एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. आप वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो केवल. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वहां पे यूज हुआ है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ PNC, ठीक है. अरेंजमेंट वहां पे नहीं कर रहे हैं हम. न्यूमरेटर में लेकिन करनी पड़ रही थी, क्योंकि हमने अलग से एक ग्रुप सिलेक्ट किया था नंबर्स का, जो बाद में अलॉट भी करना पड़ रहा था. ऑलराइट, सो लेट अस गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपके पास में अब यहां पर क्या क्या यहां पर सिलेक्शन के तरीके हो सकते हैं ताकि उन तीन नंबर्स का जो सम है वो क्या आ जाए? उन तीन नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल आ जाए, ठीक है. सो लेट अस से मेरे पास में जो तीन नंबर्स हैं वो क्या है? वो एक्स, वाई और जेड है. अगर मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 से डिविजिबल चाहिए, तो मैं एक सिनेरियो तो बहुत आसानी से सोच सकता हूं कि तीनों के तीनों नंबर्स एक कैटेगरी के हो जाने चाहिए. अगर वो इंडिपेंडेंटली नंबर्स ही 3 से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी तो 3 से डिविजिबल होगा. यानी बात समझ में आ रही है? अगर कोई नंबर्स ही 3 से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा. सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज कि आई सिलेक्ट एक्स वाई जेड सच दैट ऑल आर ऑफ कैटेगरी ए, ठीक है. लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होगी, आपको यहां पे और भी केसेस ढूंढने पड़ेंगे, और वो समझना यहां पे एक्चुअली बहुत आसान भी है. आप यहां पे थोड़ा सा सोच के देखो. अगर आप यहां पे एक्स वाई जेड तीनों के तीनों बी कैटेगरी के सिलेक्ट करते हो तो भी आपके पास में यहां पे जो नंबर्स बनेंगे सम करने के बाद में वो 3 का डिविजिबल नंबर होगा, 3 से डिविजिबल नंबर होगा. ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इसके बारे में हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? यहां पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं मैं. आप यहां पे बी के जो नंबर से एक बार फॉर्म करके देखो. यहां पे एन की वैल्यू 0 डालो तो आपको 1 मिलेगा, एन की वैल्यू आप 1 डालो तो आपको यहां पे 4 मिलेगा, एन की वैल्यू आप यहां पे 2 डालो तो आपको यहां पे 7 मिलेगा. क्या ये सारे नंबर्स ऐड करके आपको एक 3 से डिविजिबल नंबर मिलता है क्या?
क्या आप अगर बी कैटेगरी के तीन नंबर्स उठाते हो तो क्या आपको थ्री से डिविजिबल नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि हर एक में एक एक एक्स्ट्रा है, हर एक में एक एक्स्ट्रा वन है, तो तीनों के तीनों वन मिलके क्या हो जाएंगे? थ्री बन जाएंगे, और इस वजह से आपका सम जो है वो थ्री से डिविजिबल हो जाएगा. इसी बात को अगर मैं जनरलाइज फॉर्मेट में आपको समझाना चाहूं तो ऐसे कुछ आप सोच सकते हो इसके बारे में कि आपके पास में पहला जो था वो था 3n1+1, दूसरा वाला था 3n2+1, फिर उसके बाद में था 3n3+1. ठीक है, तो यहां पे जो 3 के मल्टीपल्स ऑलरेडी हैं वो तो हमें वैसे भी दिक्कत नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो रिमाइंडर्स हमारे पास बचे थे वो भी तो ऐड हो जाएंगे ना. वो ऐड होने के बाद में फिर से 3 बन गए. तो 3n1, 3n2, 3n3 ये तो ऑलरेडी 3 के मल्टीपल्स थे, और 3 जो नया जनरेट हुआ वो भी 3 का मल्टीपल है. इसका मतलब अगर तीनों के तीनों नंबर्स आपने जो सिलेक्ट किए हैं अगर वो सेम कैटेगरी के हैं तो आपको यहां पे फिर से 3 से डिविजिबिलिटी मिलेगी. अब आई बस समझ में? ठीक है, और वैसे यहां पे जो एक केस बन सकता है वो क्या है कि यहां पे सारे के सारे सी कैटेगरी के हैं, लेकिन क्या ये एंड है? नहीं. और एक सिनेरियो यहां पर मैं आपको बता सकता हूं जहां पे आपको डिविजिबिलिटी मिलेगी. वो कब? जब आप एक कैटेगरी ए का लोगे, एक नंबर कैटेगरी बी का लोगे और एक नंबर कैटेगरी सी का लोगे. अगर आप ऐसे अलग अलग कैटेगरी का एक एक नंबर लेते हो तो भी आपके पास में क्या सिनेरियो बन रहा है? आपके जो रिमाइंडर का सम है वो अभी भी 3 हो जाएगा. रिमाइंडर का सम क्योंकि यहां पे 3 हो जाएगा इसलिए जो रिजल्टेंट नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा. कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट पकड़ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, सो दैट्स वाई वन मोर केस इज पॉसिबल कि यहां पर मैं आपको ए बी सी इस तरह से सिलेक्शन करवा के दे दूं. ठीक है, ये जो है आपके केसेस, ये फेवरेबल केसेस हैं. ठीक है, और फेवरेबल केसेस को अब यहां पे लिख के देखते हैं. मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सारे के सारे नंबर्स कैसे होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए. डिस्टिंक्ट नंबर्स अगर मुझे सिलेक्ट करना है, सारे के सारे एक कैटेगरी के सिलेक्ट करना है, तो एक कैटेगरी के कितने नंबर है पहले उसको एनालाइज करते हैं. आपके पास टोटल यहां पर 1 से लेकर 30 तक 30 नेचुरल नंबर्स हैं, तो 30 नेचुरल नंबर्स में 3n वाले 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे? 10 होंगे. 10 10 10 ऐसे आपके पास में तीनों कैटेगरीज में नंबर्स आएंगे. आप चाहो तो अलग से काउंटिंग करके इसको देख सकते हो. ठीक है, अदरवाइज बेसिकली हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया. 3 से डिवाइड किया तो आपके यहां पे 3 अलग अलग पोर्शंस बन गए. तीनों पोर्शंस अलग अलग कैटेगरी के हैं. ठीक है, आपके पास में जो 3 6 9 12 वाला जो पूरा यहां पे एक एपी चल रहा है वो आपके पास में कैटेगरी ए का हो गया. वैसे आपके पास में 1 4 7 वाला जो एपी चल रहा है वो कैटेगरी बी का हो गया, और वैसे कैटेगरी सी के आपके पास में 10 नंबर्स आ गए. क्लियर हुआ? ऑलराइट, सो अब यहां पे हम क्या करते हैं, सारे के सारे अगर मुझे कैटेगरी ए के चाहिए, तीनों की तीनों अगर मुझे कैटेगरी ए के चाहिए, तो इन 10 में से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे. मुझे इन 10 में से सिलेक्ट करना पड़ेंगे 3 नंबर्स, और अगर तीनों की तीनों कैटेगरी बी के चाहिए तो मुझे इन 10 में से सिलेक्ट करना पड़ेंगे 3 नंबर्स, और अगर तीनों कैटेगरी सी के चाहिए तो इन 10 में से सिलेक्ट करना पड़ेंगे मुझे 3 नंबर्स. या फिर मैं क्या कर सकता हूं, एक कैटेगरी ए का, एक कैटेगरी बी का और एक कैटेगरी सी का सिलेक्ट कर सकता हूं. तो कैटेगरी ए का अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो 10 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो चलेगा, 10 में से कोई भी एक, एंड देन 10 में से कोई भी एक, एंड देन 10 में से कोई भी एक. पीएनसी के फंडे याद आ रहे हैं सारे बच्चों को? एंड एंड और वाला फंडा. ठीक है, ऑलराइट, सो यहां पे हमारे पास में ये जो रेड में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, दीज आर आवर फेवरेबल केसेस. ठीक है, और आपके जो टोटल केसेस होंगे उनमें क्या करेंगे? टोटल केसेस तो बहुत ही आसान है. टोटल केसेस जब भी आपको बच्चों निकालना होते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि आपको क्वेश्चन को आधा ही पढ़ना है. ठीक है, आप क्या देखो यहां पे, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स को सिलेक्ट करना है 30 नेचुरल नंबर्स में से, तो कैसा हो जाएगा? 30C3. तो आपके टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 30C3. तो ये आपको फाइनल आंसर जनरेट करके देगा. टोटल हो जाएगा आपका 30C3. ऑलराइट, इन दोनों का, रेड और ग्रीन का डिवीजन आपको फाइनल आंसर देने वाला है. इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. तो आपके उसमें क्या है, 3 × 10C3. ठीक है, एंड प्लस और क्या आपके उसमें 10C1 का क्यूब, और डिवीजन में कितना आ जाएगा आपके उसमें 30C3. ठीक है, आप अगर इसको इतना ही छोड़ना चाहते हो तो भी चलेगा. ठीक है, कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन करके रख लो. ठीक है, एक ही बात है, 30C3. यस, ऑलराइट, क्लियर हुआ सारे बच्चों को? एनी लास्ट मिनट टिप फॉर एनडीए? यार किसी भी एग्जाम के एक दिन पहले तो टिप यही रहती है कि शांति से पेपर देना, आपने जो भी मेहनत की थी वो आपको याद आ जाएगी.
ठीक है, आपको मेहनत जो की हुई है वो याद आ जाएगी तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। तो थोड़ा शांत दिमाग से जाना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज योर आंसर, इसको सिंप्लीफाई करके सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, विवेक बोल रहा है यहाँ पे फास्ट पढ़ाओ। ओ माय गॉड, मैं जितने तेज बोल रहा हूँ, आई गेस कोई भी टीचर यहाँ पे इतना तेज नहीं बोल पाता होगा। सो इससे तेज तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, और आई गेस यहाँ पे हमें ज़्यादा तेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए। हमें अगर कंसेप्ट यहाँ पे डिटेल में समझना है और हमें अगर एक्स्ट्रा 5 मिनट भी लग रहे हैं, देन आई गेस इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे ज़्यादा ईगर होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ पर आपकी एग्जाम पास में आ रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम जल्दी करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, तो आपको रिविजन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप चीज़ें अच्छे से समझ लोगे तो आपको बाद में रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि अब ये कंसेप्ट है, आई डोंट थिंक इसकी आपको जरूरत पड़ना चाहिए रिवाइज करने की, जहाँ पर सम, जहाँ पर आपको कैटेगरी बनानी पड़ती, ठीक है। कैटेगरी बनाने वाला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अब आप शायद भूलोगे नहीं, क्लियर है। 68/203, यस एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन बताया बच्चे ने, 68/203 बिल्कुल सही इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसको करके देख सकते हैं। ऑल राइट, कौन था वो, मनमीत। ऑल राइट, थैंक यू मनमीत फॉर द कैलकुलेशन। संस्कार ने भी सेम आंसर बताया, 68/203। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, सो लेट अस मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड कि यार ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। और ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आई गेस एक बार भी अगर आपने यहाँ पे बेसिक फंडा समझ लिया तो आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे सिनेरियो नजर आता है डार्ट बोर्ड के ऊपर, वो यहाँ पर एक्चुअली आपको करना है, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास बुल्स आई हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो मुझे इतने से एरिया के जो पॉइंट्स हैं वो फेवरेबल पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, और बाकी जो बोर्ड्स पे इतने सारे पॉइंट हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी हमें कब यूज़ करनी पड़ती है, जब हमारे पास में डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस नहीं होता है, हमारे पास कंटीन्यूअस सैम्पल स्पेस होता है। सुनो इस बात को, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास में डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस नहीं होता है। जब आप डाई को रोल करते हो तो आपके उसमें डिस्क्रीट 6 नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये जो बीच में रेड डॉट है उसके ऊपर ही जाके आपका डॉट लगना चाहिए, तो उस केस में वो जो एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पे रीजन नजर आ रहा है उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, क्योंकि पॉइंट का कोई विड्थ थोड़ी ना होता है, उस छोटे से रीजन में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन जो पूरा यहां पर आपका डार्ट बोर्ड है उसके अंदर भी इंफिनिट पॉइंट्स हैं। अब यहां पे फेवरेबल अपॉन टोटल अगर मैं करने जाऊंगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी तो यहां पे आंसर आ नहीं पाएगा। लेकिन हमें एक इंट्यूशन तो लग रहा है ना कि इसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हर बार आप यहां पर बुलसाई हिट करोगे नहीं, कभी यहां मारोगे, कभी वहां मारोगे, कभी यहां मारोगे, कुछ ना कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। सो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बेस्ट शॉट इज वेरी अनलाइकली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कुछ तो यहाँ पे काफी छोटा आंसर आना चाहिए, इस बात को समझे सारे बच्चे पहले तो, ठीक है। प्रॉब्लम भी समझें कि यहाँ पे आपके फेवरेबल में भी इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं और आपका जो यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस है उसके अंदर भी इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूस सैंपल स्पेस वाला इशू है, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे इशूज से डील करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे बेसिकली एरिया का यूज करने का सोचेंगे, एरिया, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जो एरिया निकल के आएगा छोटे से रीजन का, उस एरिया को अगर मैं पूरे एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक बढ़िया रेशियो निकल के आएगा जिसको मैं इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता सकता हूं, ठीक है। सो व्हाट वी वांट टू डू इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि आप अगर यहां पे एक 2D फिगर को देख रहे हो, आप अगर 2D फिगर को देख रहे हो और आपको अगर वहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देन आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप यहां पर देखोगे फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, जैसे अभी अभी हमने देखा डार्ट वाले केस में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास में 1D सिनेरियो है, आपके पास में एक्चुअली एरिया है ही नहीं, आप यहां पे एक लाइन सेगमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम समझो कि एक लाइन के ऊपर भी आपके पास में कितने पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर भी आपके पास कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिर से जो 1D वाली प्रॉब्लम है वही 2D वाली प्रॉब्लम है, और आई गेस यहां पे 3D वाली प्रॉब्लम भी आप समझ गए होंगे कि यहां पर अगर हमारे पास में कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि आपके इस रूम के अंदर आपने लेटेस्ट से कुछ तो एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है, और उसके अंदर फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, ठीक है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक पॉइंट उस छोटे बॉक्स के अंदर लाई करेगा, ठीक है। देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा। समझे सारे बच्चे, लॉजिक समझे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये पकड़ में आए बात कि फेवरेबल एरिया टोटल एरिया हम कैसे देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
अगर किसी बच्चे को ये लॉजिक आता है समझ में, अगर किसी को आ गया है समझ में, तो यहाँ पे वो लाइव चैट में आंसर करके मुझे बता सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। ऐसा करते हैं कि इसको बनाते जाते हैं और समझते जाते हैं। एक सर्कल है, उसके अंदर हमने स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया, मतलब स्क्वायर उसके अंदर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर हमने कोई तो एक पॉइंट सिलेक्ट किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट ऑल्सो लाइज इनसाइड द स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट स्क्वायर के अंदर लाई करेगा तो उसका जो यहां पे फेवरेबल पॉइंट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू पॉइंट्स अवेलेबल विथ द सर्कल। सर्कल के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स ज्यादा हैं, स्क्वायर के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स कम हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका पॉइंट स्क्वायर के अंदर नहीं है, ऐसा हो सकता है कि पॉइंट आपका स्क्वायर के अंदर है। तो यहां पे इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है, पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो पॉइंट अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंट अंदर होगा, ये हम आंसर निकाल के देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकलेंगे शुभम, यस बिल्कुल, मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा है बेटा, जाके एक बार प्लेलिस्ट अच्छे से देखो, लास्ट लेक्चर मैंने मल्टीनोमियल थ्योरम का लिया था। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को जो हमने अभी फॉर्मुलेस पढ़े हैं उनके थ्रू सॉल्व करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, मैं यहां पर देख सकता हूं कि मेरे पास जो फेवरेबल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर के अंदर लाए करने, तो मैं यहां पे 2D वाला फिगर का एनालिसिस कर रहा हूं इसका मतलब। तो मैं यहां पे जो आंसर निकालूंगा प्रोबेबिलिटी का वो कैसे निकलेगा, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल अवेलेबल एरिया से निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे मान के चलते कि हमारे पास में जो रेडियस ऑफ सर्कल है लेट अस से वो कैपिटल आर है। अगर रेडियस ऑफ सर्कल कैपिटल आर है तो यहां पर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है विच इज ऑल्सो आइसोसेलस। आपके यहां पे जो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड से दोनों के दोनों रेडियस हैं, तो इसका मतलब आपका जो यहां पे स्क्वायर का साइड निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, आर रूट टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। और अभी हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, 2/पाई, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं इसका, 2/पाई बिल्कुल सही आंसर है। कैसे निकला, यहां पर प्रोबेबिलिटी का जो आपका आंसर है वो निकलेगा यहां पे फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, इस तरह से आपका कैलकुलेशन होगा यहां पर, क्लियर हो। और यहां पर आपका जो फेवरेबल एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर रूट टू का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे ऊपर नीचे से आर हो जाएगा कैंसल और आपका आंसर आएगा 2/पाई। 2/पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, आर स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फिगर। आपका ये जो पर्टिकुलर फिगर कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर तो 2/पाई ही निकल के आएगा, क्लियर हो सारे बच्चों को। ऑलराइट, लेट अस ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे बेसिक फॉर्मुलेस आएगा, सारे बच्चों को पता चल गए हैं। डिपेंड करता है आपके पास में सिनेरियो क्या बन रहा है, अगर लेंथ वाला सिनेरियो बन रहा है तो फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, एरिया वाला बन रहा है तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, वॉल्यूम वाला बन रहा है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मुला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कब यूज करना होता है, जब आपके पास में इन्फाइनाइट पॉइंट सैंपल स्पेस में भी है और इन्फाइनाइट पॉइंट्स आपके पास में फेवरेबल केसेस में भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यहाँ पे अ पॉइंट इज चोजन इनसाइड अ सर्कल, a point is chosen inside a circle, what is the probability that it is closer to the circumference as compared to the center? soche sare bacche yahan pe dhyan se, a point is chosen inside the circle, what is the probability that it is closer to the circumference as compared to the center? clear ho raha hai, try kare isko, कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो फिगर बना के इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। आपके पास में एक सर्कल है, आपने इसके अंदर एक पॉइंट सिलेक्ट किया, अब ये जो पॉइंट है ये सेंटर के ज़्यादा नज़दीक है या सर्कमफेरेंस के ज़्यादा नज़दीक है, कैसे पता चलेगा। हमारे पास में लेटर से ये एक ब्लैक कलर का रेडियस है ओ से लेके ए तक हमारे पास में एक रेडियस है, और अगर आपका पॉइंट एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट लेटर से इसका कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, वो तो सर्कमफेरेंस के भी उतने ही क्लोज है जितना वो सेंटर के क्लोज है। अगर आप इस पॉइंट को बोलोगे सर्कमफेरेंस तक ट्रैवल करूं तो उसको जितना दूर चलना पड़ेगा, सेंटर तक ट्रैवल करने के लिए भी उसको उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उस पॉइंट ने सर्कमफेरेंस के ज्यादा नजदीक होना चाहिए, तो सर्कमफेरेंस के ज्यादा नजदीक अगर उसको जाना है मतलब उसको कहां जाना पड़ेगा, एम से ए की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो सारे पॉइंट्स जो अभी यहां पे एम ए लाइन सेगमेंट के ऊपर लाए कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स कैसे हैं, दोस पॉइंट्स आर क्लोजर,
those points are closer to circumference. ठीक है, आई बात समझ में? All right, 3/4, yes, 3/4 is the correct answer. बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर बता रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम इमेजिन क्या करेंगे? हमने अभी तो यहाँ पे एक रेडियस को लेके इमेजिन किया, लेकिन ऐसे तो मेरे पास सारे रेडियस काम देंगे. ठीक है, आपके पास में जो दूसरा रेडियस होगा वो भी सेम बात आपको बताएगा कि यहाँ पर आपके पास में जो मिड पॉइंट है उसके कंपेरिजन में अगर आप राइट हैंड साइड चले जाओगे, ठीक है, तो आप सर्कमफ्रेंस के ज़्यादा नज़दीक हो जाओगे. ठीक है, तो ये कहानी तो चलती रहेगी. इसका मतलब आप बेसिकली क्या इमेजिन कर रहे हो? आप बेसिकली यहाँ पे एम पॉइंट एम को घुमा रहे हो, आप एम को घुमा रहे हो. ठीक है, और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जनरेट कर रहे हो. ठीक है, और आपके पास में जो अब यहां पे फेवरेबल पॉइंट्स हैं वो कहां जाएंगे? फेवरेबल पॉइंट्स आपके रेड सर्कल के बाहर लेकिन ब्लू सर्कल के अंदर जाएंगे. समझे सारे बच्चे? क्लास का टाइमिंग क्या है? क्लास का टाइम है 9 से लेकर 10 बजे तक. तो टाइमिंग आपने पूछा तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर हमारा 10 तो ऑलरेडी बच चुका है, तो हमने यहाँ पे जल्दी से कंसेप्ट को रैप अप करना चाहिए. तो आपको यहाँ पे बच्चों जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेवरेबल रीजन है वो कौन सा मिल रहा है? वो एनुलस वाला रीजन मिल रहा है जो रेड सर्कल के बाहर है, ब्लू सर्कल के अंदर है. लेकिन टोटल आप यहाँ पे पॉइंट सिलेक्शन कहाँ से कर सकते थे? इस ब्लू सर्कल के अंदर आप कहीं पर भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते थे. ठीक है, सो लेट अस अगेन अज्यूम कि यहाँ पर आपके पास जो गिवन रेडियस था वो आर था. ठीक है, आपके उसमें आर रेडियस था, तो ओ एम लेंथ कितना हो जाएगा? आर बाय टू हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट इज द एरिया व्हिच इज आउटसाइड दिस. तो वो कैसे निकलेगा? फेवरेबल, फेवरेबल एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाय टू का स्क्वायर. ठीक है, ये बात समझ में आई? पाई आर स्क्वायर मतलब आपका पूरा ब्लू सर्कल का एरिया माइनस पाई आर बाय टू का स्क्वायर मतलब आपका रेड सर्कल का एरिया आपने हटा दिया उसके अंदर से. ठीक है, और ये हो गया आपका फेवरेबल. आपका टोटल क्या है? टोटल तो आएगा, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं किसी को भी. तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखते हैं. इस पर्टिकुलर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, नीचे वाला पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर ही बनने वाला है टोटल एरिया जो आपके उसमें अवेलेबल था. 1/4 नहीं चिराग वैभव, 1/4 नहीं बच्चों, यहाँ पर आपके उसमें क्या आंसर निकल के आएगा? आपके उसमें 3/4 आंसर निकल के आएगा. ठीक है, ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल. कैलकुलेट करके 3/4 देखो यहां पे कैसे आ रहा है हमें, क्योंकि रेड सर्कल के बाहर वाला एरिया चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, चलो. तो आई गेस यहां पर हमें अगर ये फंडा समझ में आया है तो एक और सिंपल से क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं. हमारे पास और एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये वाला फंडा और क्लियर हो जाएगा, ज्योमेट्री वाला. ठीक है, इफ पी इज चोजन एट रैंडम इन 0 to 5, पी कोई तो एक नंबर है ना जो 0 और 5 के बीच में लाया करता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन दिस हैविंग इमेजिनरी रूट्स? ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी क्या होगा? ज्योमेट्री के थ्रू ही आपका इसका आंसर निकल के आएगा. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ पे एक बच्चे को डाउट है कि मिड पॉइंट क्यों लिया था हमने लास्ट पार्ट में, क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर और सर्कमफेरेंस है. आपको चाहिए सर्कमफेरेंस के पास में होना चाहिए. तो हमने जो रेडियस का बचा हुआ पोर्शन था वहाँ पे अपने फेवरेबल पॉइंट्स ढूंढना स्टार्ट किए. ठीक है, दैट इज द रीजन. क्लियर हो रहा है? बायस क्यों हो गया? आप यहाँ पे उस रेडियस को फिर बाद में घुमा भी तो रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे एरिया का डिस्कशन कर रहे हो, आप लेंथ का डिस्कशन नहीं कर रहे. ठीक है, ऑलराइट. अमरप्रीत, अमरप्रीत को समझ में नहीं आया. ऑलराइट, तो एक बार फिर से जला देता हूँ पिछले क्वेश्चन के ऊपर, है ना, एक दो मिनट और स्पेंड कर लेते हैं भले. लेकिन ये कंसेप्ट पकड़ना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे तीन स्टेप में आपको पूरा आंसर निकल के आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे भारी भारी कंसेप्ट आप बच्चों यहाँ पे सीख चुके हो सारे. ठीक है, आपको बोला गया है कि आप ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने अगर यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट किया है तो वो सेंटर के कंपेरिजन में सर्कमफरेंस के साथ में ज्यादा नजदीक होगा. ठीक है, इट इज क्लोजर टू सर्कमफरेंस. अगर सर्कमफरेंस के पास वाले पॉइंट चाहिए तो यहां पे देखते जाते हैं एक एक करके. आप यहां पर मुझे देख के बताओ कि ये जो अभी मैंने पॉइंट प्लॉट किया है पी, ये सर्कमफरेंस के पास में है या सेंटर के पास में? सारे बच्चे बोलेंगे सर्कमफरेंस के पास में. ठीक है, वैसे अगर मैं आपको एक और पॉइंट दूं, लेट अस से ये क्यू है, तो ये किसके पास में है? ये अभी भी सर्कमफरेंस के पास में. कहां से पता चल रहा है आपको? आप बेसिकली यहां पे एक रेडियस इमेजिन कर रहे हो. आप जो कर रहे हो वही आपको समझ में नहीं आ रही है कि आप कर क्या रहे हो.
आप यहाँ पे एक रेडियस इमेजिन कर रहे हो, आप उस रेडियस को एक्चुअली दो टुकड़ों में ब्रेक कर रहे हो। आपको अगर ये समझ में आएगा कि वो रेडियस के मिड पॉइंट के उस साइड है तो सर्कमफेरेंस के पास में है, लेकिन रेडियस के मिड पॉइंट के नीचे है तो वो सेंटर के पास में है, ठीक है, ये आपने एक्चुअली रियलाइज करना चाहिए। तो हमारे पास में अब यहाँ पे पोर्शन कौन सा बचा, फेवरेबल। अगर किसी भी रेडियस को पकड़ोगे किसी भी रेडियस को पकड़ोगे तो आपको बेसिकली जो मिड पॉइंट के बाहर वाला रीजन है वो फेवरेबल पॉइंट्स निकल के आएंगे। लेकिन ये तो केवल एक रेडियस की बात हुई, ऐसे आपके पास में सारे रेडियस आएंगे तो आपके जो फेवरेबल पॉइंट्स है उनका एक रीजन बन रहा है, वो जो रीजन बन रहा है वो क्या है, रेड सर्कल के बाहर वाला फेवरेबल रीजन है। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया। ओके ओके, चलो मैं भी यहां पे जल्दी से सॉल्व करता हूं उस क्वेश्चन को। क्या दिया था यहां पे, इफ पी इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम 0 to 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन दिस हैविंग इमेजिनरी रूट्स। तो मुझे पता है इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या करना होता है, इमेजिनरी रूट्स के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसका 0 करेंगे, इस गिवन इक्वेशन का करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी शुड बी लेस देन 0, ठीक है। हमने यहाँ पे 4-4 कर दिया कैंसिल, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी में बन गई, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। तो यहां से आपके उसमें फैक्टराइजेशन के बाद क्या आ रहा है, पी माइनस 2 इंटू पी माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। तो यहां पे अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा वेवी कर मेथड, पी प्लस 1 सॉरी, ठीक है। वेवी कर मेथड जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स तो ऑलरेडी नजर आ ही रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास है माइनस 1 एंड प्लस 2, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करना सारे बच्चों को आएगा, आ गया है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपके पास में यहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो कहां पर है, माइनस 1 से लेके 2 तक में आपको अगर पी की वैल्यू मिलती है तो इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे। बेसिकली यहां पे हम बोल कह रहे हैं अगर पी की वैल्यू माइनस 1 और 2 के बीच में होती है तो आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। लेकिन क्या हमें यहां पे माइनस 1 से 2 सारे के सारे वैल्यूज गिवन है, नहीं, हमें तो केवल 0 से लेके 5 तक गिवन है, ठीक है। सो लेट अस नाउ ट्राई टू ओवरलैप, जो यहां पे कॉमन वैल्यूज निकल के आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके फेवरेबल केसेस। जो टोटल केसेस है वो तो शायद आपको 0 से 5 के बीच में ऑलरेडी दिख रहे हैं। अब प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, 0 से 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और माइनस 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो यहां पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? सो व्हाट विल डू नाउ, विल ट्राई टू ओवरलैप अवर गिवन रेंज ऑन टू दिस सॉल्यूशन। तो यहां पे 0 यहां कहीं आएगा, 5 आगे कहीं जाके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गिवन रेंज, और माइनस 1 से 2 हो गया आपका रिक्वायर्ड रेंज। लेकिन जो गिवन है उनमें से आपको पी सिलेक्ट करना है, तो पी आप कहां से कहां तक सिलेक्ट कर सकते हो, आप 0 से 2 की जो लेंथ है, ये जो 2 लेंथ है, यहां से आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहां पे फेवरेबल लेंथ स्टडी कर रहे हैं, और आपको जो टोटल लेंथ गिवन है वो कितनी है, आपको यहां पे टोटल लेंथ 5 गिवन है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, आपका आंसर किस केस में क्या होना चाहिए, 2/5, यस और नो? क्लियर हो रहा है? कितना आंसर आना चाहिए आपका, 2/5। समझ में आ गया सारे बच्चों को? यहां पर आपका आंसर 3/5 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 1 से 0 जो है वो तो आपको अलाउड ही नहीं है। आपको यहां पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वैसे अलाउड है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है कि अलाउड वैल्यूज जो आपको यूज करनी है वो 0 से लेकर 5 तक ही है। तो 0 से लेकर 5 तक हमने अगर देखा तो उसके अंदर 0 से लेकर 2 तक हमें अलाउड है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा 2/5। वेरी इजी, क्लियर हुआ? ऑलराइट, सो आई गेस एक और क्वेश्चन था मेरे पास। हमने अभी बच्चों एक ये लेंथ वाला क्वेश्चन किया, इसके पहले हमने एक एरिया वाला क्वेश्चन किया, एरिया वाला और एक क्वेश्चन हमने किया था। अगर किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत आ रही है, उसने एक बार खुद से इसको सोच के देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हमारा रहता है, जो आप यहाँ पे आई गेस होमवर्क में आज ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली 12th वाले बच्चों के लिए है, रिपीटर बच्चों के लिए। अगर किसी 11th के बच्चों ने इसको सॉल्व करना है और उनसे अगर नहीं हो रहा है तो चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा आपको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा देन यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज होमवर्क। बट सारे बच्चे जो 12th और रिपीटर्स हैं उन्होंने ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे। सारे बच्चे इसका स्नैपशॉट ले लें जल्दी से, अदरवाइज आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो लेक्चर के बाद में।
ठीक है। ऑलराइट, चलो तो बच्चों आपके पास में, हाँ यहाँ पे फिगर भी आपको मिल जाएगा, है ना, फिगर यूज कर सकते हो आप यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके लिए। यहाँ पे अगर बच्चों आपको डिस्कशंस और आगे प्रोसीड करना है, देन अनअकैडमी प्लस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। इस प्लेटफॉर्म में अच्छी बात जो हमें लगती है वो क्या है कि यहाँ पे बच्चों को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, सारी जो जो रिक्वायरमेंट है सारे बच्चों की फुलफिल हो जाएगी, लेकिन उनको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें परचेज करने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपको यहाँ पे केवल एक वन टाइम पेमेंट करना है। अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हो तो जो जो फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, जो जो फैसिलिटीज वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो जो नए कोर्सेज वहां पर आने वाले हैं, सारे कोर्सेज आप अटेंड करने के लिए एलिजिबल रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके आपको बिट्स का तैयारी करना है तो उसके लिए अलग से आपको यहां पर कुछ परचेज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट ऑन अनअकैडमी प्लस कि हम यहां पर अपने गोल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे किसी टीचर को या किसी सब्जेक्ट को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और आई गेस यूट्यूब का कहानी तो सबको पता है। यूट्यूब की बेसिकली कहानी ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो हमारे अनअकैडमी जेई चैनल को, देन आपको यहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल पर भी इन्फॉर्मेशन आएगा कि हमारे लेक्चर्स कब हो रहे हैं, ठीक है। और बच्चों वी वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं उनको लाइक करोगे और शेयर करोगे। शेयर करते समय अगर आप जेई लाइव डेली हैशटैग यूज़ करते हो तो हमें आपके पोस्ट काफ़ी आसानी से दिखाई देंगे, एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल्सो हेल्पिंग अस इन स्प्रेडिंग द नॉलेज एंड स्प्रेडिंग द क्वालिटी एजुकेशन विच वी आर थ्राइविंग फॉर। हर एक बच्चे को अगर यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा तो यहाँ पर हमारा जो डेवलपमेंट है इंडिया का वो वाकई बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल रेट पे होगा। सो दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू थ्रू अनअकैडमी।